हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो इसमें यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ में आप टैलेंटेड हैं। अगर आप कुकिंग में टैलेंटेड है तो आप कुकिंग चैनल स्टार्ट कर सकती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में तो आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर आप मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाना चाहती हैं तो वो भी आप एक चैनल स्टार्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको एक यूट्यूब चैनल YouTube पर जाकर एक चैनल क्रिएट करना होगा। YouTube चैनल का एक नाम सोचना होगा। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि शिखास कॉर्नर, शिखास लाइफ कॉर्नर। मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ, और जैसे कि ये इस चैनल का नाम है मेरा, शिखा अग्रवाल। आप अपना नाम का भी रख सकते हैं चैनल का नेम। उससे क्या होता है, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती कि आपको उसी टॉपिक पर वीडियोज़ डालनी है। जैसे आपने मेरे चैनल में देखा होगा कि एक रेसिपी वीडियोज़ भी है और मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बना सकते हैं आप। इस तरह से चैनल का नाम रखने पर आपको बाउंडेशन नहीं होगी कि आप उसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है आपको। आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। अगर आपने मान के चलिए शिखास कुकिंग कॉर्नर, इस तरह से आपने नाम रख लिया अपने चैनल का, ये सोचकर कि आप रेसिपी ही बनाएंगी, तो आगे चलकर क्या होगा कि उसमें आपको लगेगा आपको रेसिपी ही डालनी होगी, आप दूसरे टाइप की वीडियोज उसमें नहीं डाल सकते। तो फर्स्ट थिंग ये आती है कि आपको अपने चैनल का एक अच्छा सा नाम सोचना है जो कि थोड़ा प्रोफेशनल हो, और या फिर आप अपने अपना ही नाम का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये आती है कि उसमें जो भी आप वीडियो डाल रहे हैं उसमें आपको कंटेंट अच्छा डालना है। अगर आप रेसिपी की एक वीडियो शेयर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आपको उसमें ये शो कराना है अपने व्यूअर्स को कि आपकी रेसिपी बनाना बहुत ही ईजी है। इस तरह से कंटेंट डालिए, इस तरह से समझाइए इस रेसिपी को, जिससे व्यूअर्स को लगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ईजी रेसिपी है और हम इस यूट्यूबर की और वीडियोस देखना चाहेंगे, तो वो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, राइट। उसके बाद आपकी जो रेसिपी की वीडियो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं भी हो पा रही है स्टार्टिंग में एक बार, तो उसमें आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी बेटर करनी होगी, क्योंकि अगर एक बार को वीडियो नहीं भी समझ में आ रही है तो व्यूअर्स को ऑडियो सुनकर वो रेसिपी समझ में आ जानी चाहिए। मैंने एक रेसिपी का एग्जांपल लिया, आप कोई भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। थर्ड थिंग आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल एज अ करियर स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल को 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए, यानी आपकी सारी वीडियोस का मिलाकर जो व्यूअर्स आपकी वीडियोस देख रहे हैं वो टोटल टाइम 4000 आवर्स होना चाहिए इन अ ईयर, और आपके टोटल सब्सक्राइबर्स होने चाहिए 1000। तो वो दोनों चीज़ें पूरी करने के लिए आपका चैनल तभी मोनेटाइज होगा जब ये दोनों चीज़ें पूरी होंगी। तो ये दोनों चीज़ें पूरी करने के लिए आपको अपनी वीडियो बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, कंटेंट अच्छा होगा, जिस वजह से आप व्यूअर्स जो है आपकी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो ही आपका चैनल वो सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूर बना के रखनी पड़ेगी उसमें। कंसिस्टेंसी मीन्स आपको अपनी वीडियो रेगुलर डालनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक वीडियो डाली, अपनी फर्स्ट वीडियो फॉर एग्जांपल, और उसमें आपके आए 10 या 12 व्यूज़ ओनली और 2-3 लाइक्स आ गए। देखिए फ्रेंड्स, पहली वीडियो में हमेशा ऐसा ही होता है, एकदम से आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी या सर्च इंजन में आपकी वीडियोस नहीं शो होएगी। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा या और आपको रेगुलर वीडियोस डालनी ही होंगी। अगर आपके व्यूज़ कम आए हैं, 10 या 12 व्यूज़ आए हैं पहली वीडियो में, और ये सोचकर आपने नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाई कि क्या फ़ायदा, व्यूज़ तो आते नहीं है मेरी वीडियो पर, क्या फ़ायदा, कोई मेरी वीडियो देखता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हार तो आपको बिल्कुल माननी ही नहीं है। अगर आपने हार मान ली तो आपका करियर बेकार हो जाएगा। आपको हार नहीं माननी है, पेशेंस रखना है, वीडियो डालते रहना है। इस बारे में ये मत सोचिए कि कितने व्यूज आ रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं हो रहा है। आप लगातार वीडियोस डालेंगे। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या करूं, इसको कंटिन्यू करूं या नहीं। नेक्स्ट टिप ये आता है कि फ्रेंड्स, आपको अपनी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है स्टार्टिंग में। जब आपके धीरे 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 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, आपको चाहने वाले व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपको अपना जो वीडियोस है वो थोड़ी लेंथी कर सकते हैं। शुरू में आप सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियोस बनाइए, जिससे कि अगर कोई आप किसी नए यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये ना लगे कि ये तो 10-10-15 मिनट की वीडियो बना रहा है, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को फोर्स मत कीजिए या उनको बार बार मत कहिए कि मेरी वीडियो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इतना ऐसे कह कह कर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी वीडियो अच्छी होगी, आप किसी को कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, कुछ अच्छा हंसा रहे हैं, तो आपके चैनल को लोग अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। लास्ट में एक बार ज़रूर बोल सकते हैं आप कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बस इतना थोड़ा सा बोलना है, ऐसे बार बार नहीं बोलना है कि आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। सेकेंड थिंग आती है कौन सा ऐप आपको यूज़ करने हैं। जो जब भी आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐप्स हैं जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट आता है कैनवा, जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपना थंबनेल बनाने के लिए। थंबनेल भी एक मेन पॉइंट है अच्छे यूट्यूबर बनने के लिए। थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका। जब भी आप कोई वीडियो सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यही वीडियो एक सर्च करी हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो बहुत सारी वीडियोस उसमें आ जाती हैं। और उसके बाद आपको उसमें से आप क्या देखकर कौन सी वीडियो प्ले करते हैं, या तो आप जो लिखा हुआ है वो, और मोस्टली क्या करते हैं जो थंबनेल बना होता है, जिसका थंबनेल अट्रैक्टिव लगता है आपको और जो बहुत इजी लगता है कि हाँ ये कुछ लगता है कंटेंट अच्छा होगा, तो वही आप टच करते हैं, वही प्ले करते हैं वीडियो, है ना दोस्तों। तो आपको थंबनेल अपना अट्रैक्टिव बनाना है। आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो आपकी वीडियो लोग देखना पसंद करेंगे, आपकी वीडियो को प्ले करेंगे। तो उसके लिए क्या है, कैनवा में बहुत इजी तरीके से थंबनेल बन जाता है। अगली वीडियो मेरी यही होगी कि कैनवा में थंबनेल कैसे बनाएं, बहुत इजी है फ्रेंड्स। मुश्किल से 10 या 12 मिनट लगते हैं एक थंबनेल बनाने में। और दूसरे ऐप की जो मैं बात कर रही हूँ वो है काइन मास्टर, जिसमें आप एडिटिंग इजीली कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल एडिटिंग करनी है तो काइन मास्टर इज़ अ बेस्ट ऐप। मैं भी हमेशा उसी में अभी तक एडिटिंग करती हूँ, मैंने कोई नया ऐप यूज़ नहीं करा है। फिल्मोरा भी आप कर सकते हैं, अगर आपको फिल्मोरा यूज़ करना आता है तो आप वो यूज़ कीजिए। मैंने डाउनलोड किया था फिल्मोरा, लेकिन मेरे को उसमें नहीं समझ में आया, मेरे को काइन मास्टर यूज़ टू है, तो मैं काइन मास्टर ही यूज़ करती हूँ। उसमें इजीली आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। अगर आपको उस तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है हाउ टू एडिट इन काइन मास्टर, इस तरह से सर्च कीजिए और आपको एडिटिंग करना आ जाएगा। मैं जो अपनी वीडियोस बनाती हूँ मोबाइल से ही बनाती हूँ, मोबाइल में एडिट करती हूँ और मोबाइल से ही अपलोड कर देती हूँ। मेरा 4 साल का बेटा है और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाकर उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँ, देन लैपटॉप में एडिट करके और फिर उसको अपलोड करूँ। देखिए फ्रेंड्स, बस आपको टाइम इतना देना है कि एक वीडियो बनाकर उसको एडिट करनी है, देन अपलोडिंग तो वो अपने आप ही होती रहेगी। एक बार आप यूट्यूब में अपलोड करने के लिए रख देंगे फ़ोन, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, उसमें आपको देखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि बस आपको टोटल 2 घंटे जो होते हैं, आपके बच्चा अगर सो रहा है या स्कूल गया हुआ है, 2 घंटे में बहुत आराम से वीडियो बनकर एडिट होकर अपलोड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टिप्स थे, एक बार आप स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था, कोशिश की थी, अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती रहती हूँ कि कोई कोई नई वीडियोस आपके लिए डालती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में तो प्लीज़ मेरे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।